है वीवर, वेलकम टू नेशन बिल्डर। ये वन कनाल डिज़ाइनर हाउस है और ये घर फेस 5DHA लाहौर की प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। पार्क इस घर के बैक साइड पे है और वीडियो में आगे चल के आपके साथ इस घर की प्राइस, इसकी डिटेल शेयर करेंगे। 50 फिट बाई 90 फिट इस घर की डायमेंशन है और 50 फिट वाइड स्ट्रीट रोड है। ये इस घर का कार रैंप और गैराज में सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है। इस साइड पे एक्सटर्नल लॉन दिया गया है जिसमें प्लांटिंग की गई है। वॉल को भी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है और अब देखते हैं, ये सामने इसका गैराज दिया गया है जिसमें 4 कार्स की पार्किंग स्पेस दी गई है। और इसके अलावा इस घर में 4 साइड वॉल्स पे इलेक्ट्रिक फेंस दिए गए हैं और गैराज में टाइल फ्लोरिंग की गई है। डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं, फैन इंस्टॉल किया हुआ है। और ये 5.5 फिट की गली दी गई है जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं नीचे सर्वेंट क्वार्टर जो कि बेसमेंट में दिए गए हैं। और ये सामने इसकी एंट्रेंस, गैराज में 4 कार पार्किंग स्पेस दी गई है। और ये सामने मेन डोर दिया गया, स्लाइडिंग डोर। और यहाँ पे आपको मिलता है इंटरनल लॉन, इसमें भी प्लांटिंग की गई है। और ये सामने ड्राइंग डाइनिंग रूम की विंडो, फ्रंट एलिवेशन डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है बहुत ही खूबसूरती से। और अब देखते हैं इस घर की मेन एंट्रेंस, स्टेप्स पे ग्रेनाइट दिया गया है, ये वॉल पे टाइल से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है। सामने सॉलिड मेन डोर दिया गया है। और अब इस घर को अंदर से देखते हैं, ये इसकी लॉबी है जिसमें लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स, फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टिविटी दी गई है। और इसके अलावा एक इसकी जो है एंट्रेंस लॉबी में से दी गई है। ये सामने आपको एक डोर नज़र आ रहा है, अगर आप ऊपर का फ्लोर सेपरेट करना चाहते हैं तो ये डोर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ और पूरी छत को फिल किया हुआ है सोलर सिस्टम के साथ। यहाँ पे उसका बैकअप सिस्टम दिया गया है। और ये इस घर की ये डबल हाइट लॉबी दी गई है, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टिविटी, खूबसूरत इसमें शैंडलियर ड्रॉप किया गया है, डिसेंट इसकी सीलिंग की गई है। और यहाँ पे आप देखें तो बहुत खूबसूरत इसमें आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है, बीच में बहुत खूबसूरत मोज़ेक का वर्क किया हुआ है, इसमें आपको बहुत खूबसूरत फ्रेम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटिंग की गई है, डिज़ाइन की गई किया गया है वॉल पे मिरर के साथ बहुत ही खूबसूरत। और आप देखते हैं ये इसका पाउडर रूम जिसमें बहुत ही डिसेंट वैनिटी कमोड दिया गया है, टाइल्स दी गई हैं बहुत ही खूबसूरत वाइट और ग्रे कलर की, इसमें डिज़ाइनिंग की गई है, विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। और अब देखते हैं इस घर का ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम। जैसे ही आप घर में इंटर हो, राइट साइड पे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लेफ्ट साइड पे स्टेयर, अपोजिट बिल्कुल सामने टीवी लाउंज और उसके बाद किचन और बेडरूम। ये ड्राइंग रूम, सामने आपको विंडो नज़र आ रही है, डबल ग्लेज विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल दी गई हैं, सामने वॉल दी गई है, वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, फायरप्लेस दी गई है। और ये सामने डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम में वुडन फ्लोरिंग की गई है जबकि डाइनिंग में टाइल फ्लोरिंग की गई है, ये खूबसूरत शैंडलियर, एसी आपको नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में सामने आपको विंडो नज़र आ रही है और यहाँ पे ये कैबिनेट दी गई हैं।
और ये सामने वॉलपेपर एसी इंस्टॉल किया हुआ है खूबसूरत, इसमें डिज़ाइनिंग की गई है, लैंडस्केपिंग की गई है वॉल में, विंडो इंस्टॉल की हुई है, सिक्योरिटी ग्रिल्स दी गई हैं। और अब देखते हैं इस घर का टीवी लाउंज। ये सामने टीवी लाउंज दिया गया है, सिंपली डिसेंट डिज़ाइन किया गया है, ब्यूटीफुल इसमें टाइल फ्लोरिंग की गई है, सामने वॉल में लैंडस्केपिंग की गई है, विंडो इंस्टॉल की गई है, इस साइड में मीडिया वॉल दी गई है, वॉलपेपर और वुडन से डिज़ाइन किया गया है, एलईडी इसमें लगाई गई है फुल साइज की, और इसमें ये बहुत खूबसूरत आपको टाइल में डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर डिसेंट सीलिंग की गई है, सामने सिक्योरिटी कैमरा के लिए एलसीडी दी गई, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, और यहाँ पे आपको एक ग्राउंड फ्लोर में स्टोर मिलता है, डिसेंट इसका साइज़ दिया गया है। और ये इस घर का किचन, बहुत ही डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है, एक्स्ट्रा इसमें एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, सामने आपको 2-in-1 वॉशिंग मशीन विद ड्रायर फिक्स की हुई नज़र आती है, और यहाँ पे डिश वॉशर दिया गया है, टैब नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे किचन में इसके अलावा जो है ना वो क्रॉकरी रखने के लिए भी फिक्सिंग की गई है, यहाँ पे आपको रेज की एक्सेसरीज नज़र आ रही हैं, बर्नर फिक्स किया गया है, बहुत ही डिसेंट इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे देखें तो आपको डबल डोर इन्वर्टर का फ्रिज दिया गया है, सामने टीवी लॉन, और इस साइड पे देखें तो आपको एक्सेसरीज मिलती हैं, अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है, एक्स्ट्रा फीचर इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको डिश वॉशर नज़र आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे वॉशिंग मशीन विद ड्रायर इंस्टॉल की गई है। और अब देखते हैं ये इसका शेफ़ किचन, डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें भी काफ़ी स्टोरेज दी गई है, ये टैब दिया गया है, वहाँ पे बर्नर फिक्स किया गया है, ऊपर इसमें स्टोरेज दी गई है, टॉप दिया गया है, हुड। और अब देखते हैं इस घर का फैमिली एरिया किचन, के सामने टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के बैक साइड पे दो बेडरूम दिए गए हैं, ये सामने मास्टर बेडरूम जिसमें इंपोर्टेड वुडन फ्लोरिंग की गई है, और सामने आपको एसी नज़र आ रहा है, विंडो दी गई है, साथ में सेफ्टी ग्रिल दी गई है, ये सामने बेड वॉल दी गई है जिसे वॉलपेपर से डिज़ाइन किया गया है, और इसके ऊपर आपको बहुत ही डिसेंट सीलिंग नज़र आ रही है, फ़ैन इंस्टॉल किया हुआ नज़र आ रहा है आपको, और ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन, एसी इंस्टॉल किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, और इस साइड पे आपको नज़र आ रही है विंडो वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ ही अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, जिसमें बहुत ही खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग की गई है, ये ब्यूटीफुल वैनिटीज़ दी गई हैं, ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है, इंपोर्टेड एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, जकूजी फिक्स की गई है, विंडो नज़र आ रही है, वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग, और वार्डरोब दी गई हैं ये सामने। और अब देखते हैं इस घर का सेकंड बेडरूम, जो कि इस बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट है, किड्स बेडरूम से आप एज ए गेस्ट बेडरूम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल डिसेंट, सामने विंडो, लैंडस्केपिंग की गई है, एसी इंस्टॉल किया गया है, बेड वॉल वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, वार्डरोब इसी बेडरूम में दी गई है। और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, डिसेंट इसमें फ्लोरिंग की गई है, ये इसका वैनिटी दी गई है, पोर्टा की वैनिटी ग्रेनाइट के टॉप में फिक्स की गई है, मिरर दिया गया है, ये बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, साथ में शावर कैबिन दिया गया है जो कि शीशे से कवर किया गया है, और यहाँ पे दिया गया है कमोड,
डिसेंट इसका इंटीरियर किया गया है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर, ये इस घर का टीवी लॉन। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये स्टेयर जिन पे ग्रेनाइट दिया गया है, सामने वॉल पे वॉलपेपर से डिज़ाइनिंग की गई है, विंडो दी गई है, ये इसकी खूबसूरत सीलिंग, डबल हाइट लॉबी, शैंडलियर ड्रॉप किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टेयर स्टेप्स, और ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, ये सामने टीवी लॉन का दरवाज़ा दिया गया है, इसके बैक साइड पे किचन और दो बेडरूम दिए गए हैं, ये सेंट्रल टेरेस दिया गया है, और ये फ्रंट पे एक गेस्ट बेडरूम मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसे सेपरेट किया गया है, सामने आर शेप की विंडो दी गई है, और ये सामने दी गई है बेड वॉल, वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, ये विंडो दी गई है, और ये साथ में सेंट्रल टेरेस डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये इसका मास्टर बेडरूम वुडन फ्लोरिंग की गई है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, फैन इंस्टॉल किया गया है, और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम जिसमें स्पेनिश टाइल फ्लोरिंग की गई है, यहाँ पे पोर्टा की वैनिटी फिक्स की गई है, इसके ऊपर मिरर दिया गया है, डिसेंट सीलिंग, यहाँ पे वार्डरोब नज़र आ रही है आपको, सामने वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, ये इसका शावर एरिया शावर कैबिन दिया गया है, और ये इसकी वार्डरोब, और ये वैनिटी, और अब देखते हैं ये अगेन हम लॉबी में, और ये सामने दिया गया है सेंट्रल टेरेस, डिसेंट स्पेस जिसमें टैब दिया गया है, वॉल के पे डिज़ाइनिंग की गई है, और ये सामने इसका टीवी लाउंज, इस साइड पे आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये स्टोर का है, ये एक बेडरूम दिया गया है, ये सामने बैक साइड पे एक टेरेस दिया गया है, ये मीडिया वॉल दी गई है, और ये इसमें सीलिंग की गई है, फैन इंस्टॉल किया गया है, सामने आपको एसी नज़र आ रहा है, और आप देखते हैं ये सामने किचन, इस साइड पे टेरेस से एक्सेस दी गई है, ये किचन दिया गया है, प्रॉपर किचन, एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, बर्नर दिया गया है, टैब दिया गया है, और प्रॉपर एक किचन दिया गया है, बिकॉज ये घर है डबल यूनिट है, एज ए टू फैमिली इसको यूज़ कर सकती हैं, तो ये अब देखते हैं इसका ये फोर्थ बेडरूम, यहाँ सामने वॉल पे डिज़ाइनिंग की गई है वॉलपेपर के साथ, और बैक टेरेस पे में विंडो दी गई है, ये आप देख सकते हैं डबल ग्लेज विंडो, इसमें सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है, तो ये बेड वॉल है वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, सामने इसमें आपको वार्डरोब नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको एसी नज़र आ रहा है, डिसेंट इसकी सीलिंग, और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग की गई है, खूबसूरत इसमें वैनिटी फिक्स की गई है वाइट कलर में, और यहाँ पे कमोड दिया गया है, और ये इसका शावर कैबिन शावर एरिया, और ये वैनिटी पे मिरर दिया गया है, वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, और अब देखते हैं लास्ट बेडरूम जो कि टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही बैक पे दिया गया है, ये लास्ट बेडरूम फिफ्थ बेडरूम, सामने विंडो नज़र आ रही है, और ये वॉल पे डिज़ाइनिंग की गई है, एसी इंस्टॉल किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, सिंपली इसको डिज़ाइन किया गया है, इसके साथ ही इसका ये अटैच बाथरूम, इसमें भी खूबसूरत वैनिटी फिक्स की गई है, और यहाँ पे आपको शावर कैबिन मिलता है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है,
यहाँ पे आपको मिलती है वार्डरोब्स, और इसके वैनिटी के बैक साइड पे ये कमोड दिया गया है। ये इस घर का लास्ट बेडरूम, 5 बेडरूम है, 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं। और इसके साथ ही अब देखते हैं बैक स्पेस। ये बैक साइड पे एक टेरेस दिया गया है, क्योंकि बैक साइड पे एक यहाँ पे पार्क दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पार्क है जिसमें प्ले एरिया दिया गया है, और ये टेरेस दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टेयर्स नज़र आ रही हैं छत पे जाने के लिए, क्योंकि छत पे सोलर पैनल दिया गया है। ये घर फेज 5 की बहुत अच्छी लोकेशन पे है, वेरी पॉपुलेटेड एरिया। इसकी आस्किंग प्राइस 8.5 करोड़ है, 5 बेडरूम डबल यूनिट हाउस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।